हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 1 से 1.5 साल तक के बच्चे का कार्डिगन पैटर्न है। ये बहुत सिंपल ट्यूटोरियल है, इसे कोई बिगिनर भी इजीली बना सकते हैं। स्क्रीन पर आप जो कार्डिगन देख रहे हैं, इसके पीछे के हिस्से में 70 फंदे डले हैं और आगे के दोनों हिस्सों में 35 फंदे डले हैं। अगर आप भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। पहली सिलाई सीधी तरफ से बुनी जाएगी। इसमें शुरू के 6 फंदे हम बटन पट्टी के बना रहे हैं, तो एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। यहाँ पे हमने साबूदाना डिज़ाइन डाला है। अब हम आते हैं मेन डिज़ाइन पर। इसके बाद इन 4 फंदों को हम इस तरह से सिलाई पर से उतारेंगे। 2 फंदों को यानी कि तीसरे चौथे को पीछे से सिलाई पर चढ़ाएंगे और पहले दूसरे को आगे से सिलाई पर चढ़ाएंगे। इसके बाद इन दोनों फंदों को भी सिलाई पर चढ़ा देंगे और उसके बाद इन 4 फंदों को प्लेन सीधा बुन देंगे। इसके बाद बाकी के बचे हुए सारे फंदों को हम प्लेन सीधा बुनेंगे। और इस तरह से हमारी पूरी पहली सिलाई कंप्लीट होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई को उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, इसे प्लेन उल्टा बुनते जाना है। आज की डिज़ाइन सबसे आसान केबल डिज़ाइन है। इससे ईजी केबल डिज़ाइन आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। कोई बिगिनर जो कि अट्रैक्टिव डिज़ाइन डालना चाहते हैं वो भी इस डिज़ाइन को अच्छे से बना सकते हैं। हमने हमारे चैनल पे इस तरह के और इजी निटिंग ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाए हैं जो कि स्पेशली बिगिनर्स के लिए हैं। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो स्क्रीन के ऊपर देखिए राइट हैंड साइड पे इजी निटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप इस तरह के और ट्यूटोरियल्स सीख सकते हैं। और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इसमें शुरू के 6 फंदे बटन पट्टी के हैं, उसे साबूदाना डिज़ाइन में बुनेंगे, यानी कि एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। और इस तरह से 6 फंदों में हमने साबूदाना डिज़ाइन डाल दिया। अब हम आते हैं मेन डिज़ाइन पर, जिसमें सभी फंदों को हम प्लेन सीधा बुनेंगे। और इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई ओवर होती है। इसके बाद चौथी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं पांचवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 6 फंदे जो बटन पट्टी के हैं, उसमें साबूदाना डिज़ाइन डलेगी। इस तरह से साबूदाना डिज़ाइन डालने के बाद हम आते हैं मेन डिज़ाइन पर। इसमें हमें 4 फंदों पर फली डालनी होगी। इसके लिए वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। 2 फंदे पीछे से और 2 फंदे आगे से इस तरह से सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को भी उल्टे हाथ के सिलाई पे ले जाएंगे और इसे प्लेन सीधा बुन देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमने केबल डाल दी है। अब हम ऊन को आगे लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे और इसके बाद ऊन आगे लाके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से हमारी पांचवी सिलाई कंप्लीट होती है। इसके बाद छठी सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं सातवीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में वही शुरू के 6 फंदे हमें साबूदाना डिज़ाइन के डालने होंगे। ये बटन पट्टी के फंदे हैं। इसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे
और फिर ऊन पीछे ले जाके तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर ऊन पीछे ले जाके तीन फंदे सीधे, इसके बाद ऊन आगे लाके तीन फंदे उल्टे। इसके बाद आठवीं सिलाई दूसरी के जैसे। अब हम आते हैं नवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 6 फंदे साबूदाना डिजाइन के बुनेंगे, ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। इसके बाद जो 4 फंदे हैं उनको हम इस तरह से सिलाई पर से उतारेंगे, ये फली के फंदे हैं। इनके लिए वही स्टेप्स, 2 फंदे पीछे से और 2 फंदे आगे से इस तरह से चढ़ाएंगे। इन चारों फंदों को वापस उल्टे हाथ की सिलाई पर ले जाएंगे और इन्हें प्लेन सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 1, 2 और 3 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लाके 3 फंदे उल्टे और फिर ऊन पीछे ले जाके 3 फंदे सीधे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी नवी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। 10वीं सिलाई दूसरी के जैसे बुनी जाएगी। 10 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा। पूरे डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आनंदगढ़ चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।